की ओर से भी स्पष्ट कहा जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। आपको बता दें कमलनाथ समर्थक नेता जो हैं वो कल दिल्ली जाएंगे, 20 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली का रुख करेंगे, दिल्ली जाएंगे कल। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, 20 विधायकों संग बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ, बीजेपी अधिवेशन के बाद ये सदस्यता पार्टी की ले सकते हैं। तो देखिए एक तरफ जहां पर नकुलनाथ कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं अब सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है 20 से भी ज्यादा विधायक जो हैं वो दिल्ली जाएंगे कल। ये बड़ी खबर है, 20 विधायकों के संग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक के बाद एक ये बड़े झटके माने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से कमलनाथ बीजेपी में अगर ज्वाइन करते हैं पार्टी को, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और अब 20 से भी ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो कि कल दिल्ली जाएंगे और पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो देखिए एक के बाद एक दिग्गज लगातार कांग्रेस से हटते जा रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी एक अभियान चला रही है और वहां पर ये कारगर भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी देख रहे हैं एक के बाद एक दिग्गज लगातार कांग्रेस से हटते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को। अब कमलनाथ नकुलनाथ की बात तो हम दिन भर से कर ही रहे हैं हम और आप, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 20 विधायक भी पार्टी में शामिल होंगे, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए कमलनाथ के जितने समर्थक विधायक हैं वो लगातार संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, और वो सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी संख्या 20 के लगभग बताई जा रही है और कल वो दिल्ली जा सकते हैं। संभावना यह है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जैसे ही संपन्न होगा तो 19 तारीख को तमाम तरह की तस्वीरें साफ हो जाएगी, जिसमें कमलनाथ और नकुलनाथ की इस्तीफे की बात तो अब बहुत स्पष्ट होने जा रही है। जैसा दीपक सक्सेना साफ कर रहे थे कि दो दिन में साफ दिखाई दे सकता, और मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ कि दो दिन यानी 19 तारीख को, 19 या 20 तारीख को तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग जाएगा। विराम इसलिए लगने वाला है कि 20 से ज्यादा विधायक वहां पहुंच रहे हैं जैसी खबरें आ रही है, उसमें कुछ और संख्या बढ़ सकती है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की, कुछ पूर्व विधायकों की जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो भी दिल्ली जा सकते हैं, तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को और लग सकता है। मनोज जी बड़ा झटका है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 20 से भी ज्यादा विधायक जा सकते हैं, तो आखिर इन विधायकों की संख्या को अगर देखा जाए तो क्या ये विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं? इन कार्यकर्ताओं को भी ये नहीं लग रहा है कि पार्टी में उनका उज्ज्वल भविष्य है, इसीलिए बीजेपी पार्टी का रुख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये फर्क है, कांग्रेस में नेता विशेष के साथ पार्टी चलती है। कमलनाथ के जो समर्थक है वो कमलनाथ के साथ जाएंगे, दिग्विजय सिंह के जो समर्थक है वो दिग्विजय सिंह के साथ जाएंगे। आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब छोड़े, जो उनके समर्थक थे 28, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। तो इसी तरह की कुछ स्थिति, और इसीलिए हम कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस, ये दूसरा ऑपरेशन लोटस होगा भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें 20 के लगभग विधायक, वर्तमान विधायक और कुछ पूर्व विधायक, इनकी संख्या मतलब 30 से 40 के बीच में हो सकते हैं कुल मिलाकर। मैं कार्यकर्ता और पूर्व विधायकों की बात कर रहा हूं साक्षी, और 20 विधायक जो वर्तमान में है, कुल मिलाकर ये संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है जो दिल्ली जाने वाले हैं। मुलाकात कमलनाथ से लगातार बातें हुई, कमलनाथ ने कई लोगों से बातें की है और ऐसा कहा जा रहा है। मनोज जी और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जल्दी ही दिखाएंगे, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ का जो हाथ है अब बीजेपी के साथ नजर आने वाला है। मनोज जी फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरह से ऑपरेशन लोटस जो है कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ